अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जनाब सलमान रिजवी साहब के पास में, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और पिछले लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन्होंने बहुत से ऐसे गरीब लोगों को जो है बना हुआ खाना भी तकसीम किया है, लोगों के घर घर जा कर के तकसीम किया। और अब इनका एक और काम बढ़ गया है, जो ये अब लोगों को बना हुआ खाना ना दे करके जो है सीधे पूरा राशन दे रहे हैं। राशन में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ ये तकसीम कर रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सलमान भाई, दोबारा से आपका नज़र इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरह से आपने पिछले, जब से लॉकडाउन हुआ है लेकर के अब तक, आपने लोगों को और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों ने मिल करके लोगों तक खाना, बना हुआ खाना जो है तकसीम किया, और अब जो है आप राशन तकसीम कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या मतलब आपका मकसद है और कहाँ कहाँ आप इसको तकसीम कर रहे हो? देखिए, कैसा है कि अब तक जो किए बना हुआ खाना हमने बनाया और लोगों तक पहुंचाया, वो तो ये था कि लॉकडाउन पीरियड एक था कि 14-15 तक खुल जाएगा, लेकिन फिर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ हमारे पीएम साहब का कि इस लॉकडाउन को उन्होंने एक्सटेंड किया 3 मई तक, और उसके बाद पता नहीं हो सकता है बढ़ भी सकता है या ख़त्म भी हो सकता है, दुआ है कि ख़त्म ही हो जाए। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड को देखते हुए हमने ये सोचा कि अब कब तक बनाया जाए। अब माह रमज़ान भी आया तो बिल्कुल हर एक गरीब फैमिली तक हमने पूरा पूरा राशन पहुँचाने का काम किया। अब तक 25 लोगों को हमने ऑलरेडी दे चुका है, बाकी का लॉट अभी फिर से आया है, तो फिर से हम ऐसे तबके को दे रहे हैं जिनके पास वाकई में अभी तक किसी एनजीओ ने, किसी भी ट्रस्ट ने अभी तक नहीं पहुंचाया, तो उस पर हमारा काम चालू है। सलमान भाई, जैसा कि हमारी न्यूज़ के ज़रिए तो लोगों तक आपका संदेश पहुँच ही जाएगा, लेकिन आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले चीज़ आप लोगों के कांटेक्ट के लिए आपके पास है, आपका चैनल है, उसमें मैं अपना नाम और नंबर भी दे दूंगा। हमारे कलीग्स हैं फैज़ान रिजवी, वो भी हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई बाकी रिजवी, वो भी हमारे साथ हैं। मतलब ये अकेले खाली सलमान रिजवी की मेहनत नहीं है, इसमें हमारे जितने भी दोस्त अहबाब है सबकी मेहनत है, और हम सब रिश्तेदार, दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी सब ने इसमें बिल्कुल हिस्सा लिया है। और ये जो हमारी एनजीओ है, ये कोई रजिस्ट्रेशन एनजीओ नहीं है, बस ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में एक नाम हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके नाम से हम लोग लोगों तक खाना पहुंचाएंगे, जो भी है दारुल कुरान इमामुल असर, इसके थ्रू लोगों तक एक पैगाम भी रहेगा। और ये कोई मज़हब रिलेटेड है नहीं भाई, हम लोगों ने यहाँ तक कि हिंदुओं तक भी खाना पहुंचाया है, राशन भी पहुंचाया है, ये इसमें किसी मज़हब की कोई खेद नहीं, हम सभी को दे रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ गरीबों तक ही हम खाना पहुंचाएंगे, और देखा गया है कि लोग राशन ले जाने के बाद भी कहते हैं कि हमें नहीं मिला है, तो इस ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन कई हद तक कितना इंसान वेरिफिकेशन करेगा, एक 1500-2000 चीज़ों के लिए इतना भी इंसान नहीं गिर जाता, लेकिन हालत देखते हुए लोगों को लगता है कि वाकई ये ज़रूरतमंद है, तो लिहाजा ये है कि हम ज़्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं कि उन तक ही पहुँचाएँ जिनके पास अब तक नहीं गया, लेकिन फिर भी एक दो केस ऐसे आते हैं, फिर भी दे दिया जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। तो ये थे हमारे सलमान रिजवी साहब, जिन्होंने जो है अभी लोगों के लिए राशन का, पूरे राशन का इंतज़ाम किया है, और लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल के डिस्प्ले पर इनका नंबर भी शो हो रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें ताकि आप सलमान रिजवी तक पहुंच सके और मुनासिब लोग वहां पहुंचे जिनको वाकई में ज़रूरत है राशन की। क्या हुआ? जिनको वाकई में ज़रूरत है राशन की, क्योंकि अगर ऐसे ही लोग लेने के बाद दोबारा राशन लेंगे तो सही इंसान तक राशन नहीं पहुंच पाएगा। कैमरामैन आदिल खान के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।